एग्रीकल्चर सिक्स सेमेस्टर, फार्म मैनेजमेंट प्रोडक्शन रिसोर्सेज इकोनॉमिक्स का यह पेपर है। ऑब्जेक्टिव टाइप प्रीवियस ईयर पेपर, पिछला में क्रॉप इम्प्रूवमेंट और वाटर सेड एंड वाटर लैंड मैनेजमेंट का पेपर सॉल्व करवा चुके हैं, जो इस यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है, वहां जाकर आप चेक कर सकते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर एक, एक उद्यम के लिए सकल रिटर्न से क्या शामिल है, तो वह कुल खर्च, ऑप्शन नंबर एक का ए सही है, कुल खर्च। क्वेश्चन नंबर दो, फैक्टर संबंध से क्या ठीक है, तो फैक्टर भिन्न होते हैं, ऑप्शन नंबर दो का बी सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, उत्पाद संबंध किससे संबंधित है, तो वह संसाधन उत्पादकता से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर तीन का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर चार, इनपुट का अधिकतम लाभ स्तर होता है, या लाभ स्तर क्या है, तो MC = MR, ऑप्शन नंबर चार का ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर पाँच, अस्थियों पर देनदारियों की अधिकता क्या इंगित करती है, तो वह व्यापार की सॉल्वेंसी, व्यापार की इनसॉल्वेंसी, कुल मूल्य, उपयुक्त सभी, ऑप्शन डी करेक्ट है, पाँच का ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, डेयरी फार्मिंग, सुअर पालन, भेड़ पालन, बकरी पालन आदि किसके उदाहरण हैं, तो वह उपयुक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट है, छः नंबर क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर सात, फार्म योजना में क्या क्या शामिल है, तो वह कृषि बजट पहले से तैयार करना, सर्वोत्तम पैकेज का चयन करना और अपनाना, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, एक क्षेत्र का शुद्ध प्रतिफल किस दक्षता का माप है, तो वह विशिष्ट, ऑप्शन नंबर आठ का बी करेक्ट है, विशिष्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कृषि स्तर पर संसाधनों के उपयोग का इष्टमीकरण का संदर्भित करता है, तो क्वेश्चन नौ नंबर का ऑप्शन नंबर सी सही है, कृषि विपणन, ऑप्शन नंबर सी सही है, कृषि विपणन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा लागत यू आकार का है, तो वह ATC है, ऑप्शन नंबर 10 का डी करेक्ट है, ATC। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, औसत कुल लागत क्या है, तो वह आउटपुट द्वारा विभाजित कुल लागत, ऑप्शन नंबर 11 का डी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, परिवर्तनीय इनपुट का MP ऋणात्मक कब है, तो चरण थर्ड, ऑप्शन नंबर 12 का सी सही है, चरण थर्ड। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, जब परिवर्तनीय लागत शून्य के बराबर होती है, तो कुल लागत क्या होती है, तो वह अवसर लागत के बराबर होती है, 13 नंबर का ऑप्शन नंबर सी सही है, अवसर लागत के बराबर होती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कुल परिवर्तित लागत वक्र का आकार क्या है, तो वह आयताकार अपरिवलय है, ऑप्शन नंबर 14 का ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कुल लागत वक्र का आकार क्या होगा, तो वह घनाकार परवलय होगा, 15 नंबर का ऑप्शन नंबर सी है, घनाकार परवलय होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, उत्पादन फलन में उत्पादन निम्नलिखित में का एक फलन है, तो वह मूल्य, ऑप्शन नंबर 16 का ए करेक्ट है, मूल्य। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ह्रासमान प्रतिफल के नियम का संचालन मूल का कारण है, तो इसका मूल कारण है कारकों की कमी, ऑप्शन नंबर 17 का ए, कारकों की कमी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट,
निम्नलिखित में से कौन सा अल्पकालीन उत्पादन फलन की व्याख्या है? तो वह मांग की लोच, यानी 18 नंबर का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, मांग की लोच। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, दीर्घकालीन उत्पादन फलन किससे संबंधित है? तो वह मांग की लोच, ऑप्शन नंबर 19 का डी करेक्ट है, मांग की लोच। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, उत्पादन के किस चरण में एक बुद्धिमान निर्माता अल्पकालीन उत्पादन से काम करना पसंद करता है? तो ऑप्शन नंबर 20 का बी सही है, द्वितीय चरण। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, परिवर्तनशील अनुपात का नियम उत्पादन के तीन चरणों की व्याख्या करता है। उत्पादन के पहले चरण हैं तो वह MAP और MAP दोनों में वृद्धि करता है। क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 22, किस समय उत्पादन के सभी संसाधनों का बदला का सकता है? तो वह दीर्घकाल, ऑप्शन नंबर 22 का ऑप्शन नंबर बी सही है, दीर्घकाल। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, परिवर्तनीय और निश्चित संसाधनों की तकनीक दक्षता कब बढ़ती है? तो वह उपयुक्त में से कोई नहीं, प्रथम चरण, द्वितीय चरण, तृतीय चरण, यानी इसके ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, उपयुक्त में से कोई नहीं, नान ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 24, उत्पादन फलन के प्रथम चरण में उत्पादन की लोच क्या है? तो वह एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, उत्पादन फलन में इनपुट क्या है? तो वह कॉम्प्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री और कॉम्पिटेटिव, यानी ऑप्शन नंबर सी सही है, 26 का कॉम्पिटेटिव। 26 का ऑप्शन नंबर सी सही है, कॉम्पिटेटिव। और 25 नंबर का ऑप्शन नंबर, उत्पादन फलन में इनपुट क्या है, सॉरी क्वेश्चन ने छूट गया था, उत्पादन फलन में इनपुट क्या है? तो वह उपयुक्त में से कोई नहीं,